देखिए भैया, मैं मरने के लिए अब राजी हूँ, इसलिए सब सुई दवा करा के मैं थक गई। मेरी बीमारी ठीक होने वाली है नहीं, और तो मैं ऑलरेडी मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ कि अब मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी, हमको कोई दिक्कत नहीं, जीने में से भी कोई फायदा है नहीं, मरना सबसे जरूरी है। चावल बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, चावल मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, चावल के लिए मुझे मरना है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर मना कर दिया कि आप चावल छोड़ दीजिए, तो चावल नहीं छोड़ पाएंगी, आपने बोला है अभी, आपने कहा है कि हम चावल बिना जी नहीं। पिता चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए, आदमी जिंदगी में सब कुछ दूसरों के लिए करता है, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं दूसरों के लिए, कपड़ा पहनती हैं अपने शरीर के लिए, यानी हर काम आप दूसरे के लिए करती हैं, ठीक, तो अपने लिए क्या करते हैं? सिर्फ एक काम अपने लिए करता है, वो जानती है क्या है? भोजन। मान लीजिए चूड़ी पहन रही ना, तो ये शरीर आपका है, शरीर आपका है, शरीर नहीं, देखिए शरीर आपका है। देखिए जब आदमी कोई खाना खाता है ना, तो क्या कहता है, हम अपने लिए खाना खा रहे हैं, ये नहीं कहता है कि हम अपने शरीर के लिए खाना खाते हैं। बाकी कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो कि अपने लिए आपका, उसमें नाम आपका अपने लिए हो। आप कहेंगे कि ये हमारा माला है, ये हमारा नथिया है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा चूड़ी है, इस तरह कहेंगे ना, लेकिन जब भोजन करेंगे ना तो कहेंगे कि हम अपने लिए खाना खा रहे हैं, अपने लिए। तो अपना क्या चीज है? तो देखिए जब सब काम, अगर सैकड़ों काम आप दूसरों के लिए कर सकती हैं, तो अपने लिए एक काम क्यों नहीं कर सकती हैं? पूछिए क्या बताएंगे हमारे? भोजन, ठीक। तो सिर्फ भोजन ही एक ऐसा चीज है ना कि जो लोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए, याद हमको दिला रहे थे कि इस पे कहानी है बहुत लंबी चौड़ी, अपने लिए जो करना है उसको थोड़ा बढ़िया से कीजिए। मान लीजिए कि डॉक्टर मना कर दिया कि आपको चावल नहीं खाना है, ठीक, तो माना कि आप कह रहे हैं कि हम चावल नहीं खाएंगे, चावल बिना हम नहीं जी पाएंगे, लेकिन अपने लिए, अपने लिए, जैसे मान लीजिए, अब देखिए उदाहरण पूरा बताएंगे फिर आपको उत्तर उसका देंगे। बच्चा कहेगा कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हम मैगी खाएंगे, तो आप क्या करती हैं? उसके लिए मैगी बनाती हैं। तो अपने लिए क्यों नहीं करती हैं? जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर मना कर दिया कि आप चावल छोड़ दीजिए, तो चावल नहीं छोड़ पाएंगी, आपने बोला है अभी, आपने कहा है कि हम चावल बिना जी नहीं पाएंगे, चावल बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, चावल मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, चावल के लिए मुझे मरना है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं, और मेरी बात सुनिए, हफ्ता में 7 दिन होता है, समय 7 दिन होता है ना, तो हफ्ते में अपने लिए 1 दिन तो चावल छोड़ सकती है। हाँ, 1 दिन छोड़ दो, 1 दिन का 2-4 दिन भी छोड़ दूंगी, ये सफा चावल छोड़ दिए थे, मेरे बस का नहीं। नहीं, तो हफ्ते में 1 दिन तो छोड़ सकती है, तो इस तरह से 1 हफ्ता अपना इस तरह से बिताइए कि हाँ हमको आज चावल नहीं खाना है, 1 दिन कोई, हफ्ते में 1 दिन आप कह लीजिए, सोच लीजिए कि हमको चावल नहीं खाना है, करते हैं। एक साल के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप ये अगले हफ्ते में ये सोचिए कि हमको हफ्ते में 2 दिन चावल नहीं खाना है। 2 दिन तो हो सकता है ना, 3-3 या कर करके बीच में 2 दिन गैप करके हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो बस, और तीसरे हफ्ते से ये कर दीजिए कि 1 दिन हमको चावल खाना है और 1 दिन चावल नहीं खाना है। देखिए भैया, मैं मरने के लिए अब राजी हूँ, इसलिए सब सुई दवा करा के मैं थक गई, मेरी बीमारी ठीक होने वाली है नहीं, और तो मैं ऑलरेडी मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ कि अब मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी, हमको कोई दिक्कत नहीं, जीने में से भी कोई फायदा है नहीं, मरना सबसे जरूरी है, जब जीने नहीं देंगे भगवान सही से तो मरना ही सही है। देखिए भगवान अपने ऊपर गलती कभी नहीं लेते हैं, वो सारा इल्जाम आपके ऊपर सौंप देंगे और अपना इल्जाम वहां से हटा देंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहेंगे, ना भगवान अपना इल्जाम पैदा जब करते हैं ना, तो अपना इल्जाम नहीं लेते हैं, दूसरे जो पैदा जो करते हैं ना उसी के ऊपर इल्जाम सौंप देते हैं कि भाई तुम अब खुद झेलो, ठीक। तो हम ये आपसे देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माना कि आप कहिए कि हम चावल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन चावल छोड़िए, दूसरे हफ्ते में
दो दिन चावल छोड़िएगा हफ्ते में, और तीसरे हफ्ते में एक दिन आकर करके चावल छोड़ दीजिए, आपकी बीमारी कम हो जाएगी। देखिए हम आपसे क्या कहें, कहें ना कि आप चावल छोड़ देंगे तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, और मीठा खा लेंगी, जितना खाएंगी तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। पूछिए क्यों बताए हैं ये बात, हम इसलिए बोले हैं कि मीठा रोज मिलेगा नहीं, मिठाई रोज किन के आएगा नहीं, तो आप खाएंगे नहीं, तो हफ्ते में अगर दो दिन खा भी लेंगे तो आपसे उससे बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, उसको मतलब नहीं है। उसी तरह से हमको रूटीन को चेंज करना है और चावल के प्रति करना है, ताकि एक दिन आकर खाएंगे महीने 15 दिन ना हुआ। मीठा चीज तो मैं कुछ खाते नहीं, चाय पीती नहीं, चीनी एक्स्ट्रा खाती नहीं, मिठाई खाती नहीं हूँ, बस चावल थोड़ा सा खाती हूँ, बस वही मेरी गलती है, वो मेरी गलती छोड़ नहीं पाएगी, बस बात करता हूँ। देखिए हम देखिए आदमी को कोई कह देना कि भाई तू हर चीज एकदम साफा छोड़ दो, वो जिंदगी भर ना छूट पाए, लेकिन उसे एक बात खाली कह देना कि भाई तू तो नहीं कम खो दो, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा और धीरे धीरे छूट भी जाएगा, दोनों ऑप्शन है। किसी से कह दिए ना कि भाई देखिए हम तारा हई काम नहीं करेंगे जिंदगी में, क्रिया का हई काम नहीं करेंगे, तो वो आदमी के सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उस तरह से नहीं कहना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि भाई जितना आप ये काम कर रहे हैं थोड़ा कम कर दीजिए, जिस दिन उसकी आदत पड़ जाएगी या थोड़ा सा कम करेंगे, कल और थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे, तो उसकी रूटीन बन जाएगी और उस तरह से वो अपने लाइफ स्टाइल जीने लगेगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चावल मत छोड़िए, लेकिन कम कर दीजिए, यही खाना।